हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को एमआर की वैकेंसी पता करने के वो सारे तरीके बताऊंगा जिससे आप एमआर की वैकेंसी पता कर सकते हो और आप भी एमआर का जॉब ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, अभी दिवाली का समय चल रहा है और लोग एक दूसरे को दिवाली में गिफ्ट देते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूअर को क्या गिफ्ट दूँ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आपको वैकेंसी पता करने के तरीके बताता हूँ जिससे कि आपको एमआर की वैकेंसी पता चल सके और आप भी एमआर का जॉब ज्वाइन कर सके, किसी को जॉब मिल जाए, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक एमआर की वैकेंसी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। वैसे मैं एमआर की वैकेंसी के ऊपर बहुत सारे वीडियो पहले बना करके रखा हुआ हूँ। मैंने जो लास्ट वीडियो जो बनाया था, आई थिंक मैं जनवरी के आसपास वैकेंसी का वीडियो बनाया था, तो काफ़ी लंबा समय हो चुका था और उस बीच जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर ही मेरे चैनल से जुड़े हैं जिनको एमआर की वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए। मुझे आए दिन कॉमेंट्स भी आता है उसके लिए, तो मैंने सोचा कि चलो वैकेंसी का वीडियो बनाया जाए। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में खास करके मेरा फोकस उन लोगों के लिए रहेगा जिनका कोई भी पहचान का इस फील्ड में नहीं है और उनको एमआर का जॉब करना है, उनको एमआर की वैकेंसी पता करना है। क्या है ना कि जिसका भी पहचान का कुछ कोई एमआर रहता है इस फील्ड में या कुछ सोर्स रहता है, उनको तो एमआर की वैकेंसी पता चल जाती है और उनको जॉब मिल जाता है आसानी से। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होती है जिनका कोई भी इस फील्ड में पहचान का नहीं है। तो ये वीडियो खास करके उन लोग के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। तो एमआर की वैकेंसी जो है वो पता करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझो कि एमआर का जो है वो किन लोगों से मिलना जुलना होता है, कहाँ उनका उठना बैठना होता है, कहाँ उनका आना जाना होता है। ये चीज़ अगर आप समझ लोगे तो आप को समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ से एमआर की वैकेंसी पता चल सकती है। तो एक एक करके हम समझते हैं कि एमआर का कहाँ आना जाना होता है, किससे मिलना जुलना होता है। तो एमआर का जो काम होता है वो आप भी जानते हो कि एमआर को डॉक्टर से मिलना होता है, तो वो एमआर कहाँ जाएगा, डॉक्टर से। तो डॉक्टर से उनके यहाँ उसका कुछ पहचान या रिलेशन होगा। दूसरा, वो कहाँ जाएगा, मेडिकल स्टोर में, तो वहाँ उसका जान पहचान होगा। तीसरा क्या होता है, स्टॉकिशिप, स्टॉकिश जहाँ से हर मेडिकल में माल जाता है वहाँ भी एमआर का आना जाना होता है। उसके बाद एमआर कहाँ आएगा जाएगा या उसका किसी के साथ उठना बैठना होगा, एमआर का खुद एमआर के साथ उठना बैठना और या रिलेशन होगा, तो एक एमआर हो गया। उसके बाद एमआर का किसके साथ मिलना जुलना होगा, उसके मैनेजर लोगों से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, या फिर एमआर का यूनियन होता है वहाँ पर एमआर आते जाते हैं। तो ये जो मैं जितने भी ऑप्शन बताया है उसमें से सबसे जो पहला ऑप्शन है जहाँ पे जिसका कोई भी पहचान का नहीं है, जहाँ सभी लोग आते जाते हैं, वो कौन सा जगह है, वो है मेडिकल स्टोर। किसी भी आदमी को कुछ भी तबीयत खराब होता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो मेडिकल स्टोर पे जाता है। और हर आदमी का, हर अपने गांव के मेडिकल में ही क्यों ना हो, वहाँ पे उसका पहचान होता ही होता है। तो सबसे पहला तो तरीका यही है, जिसका कोई भी पहचान का नहीं है तो आप जहाँ भी मेडिकल स्टोर, आप जहाँ से दवाई लेते वगैरह हैं, जहाँ से थोड़ा बहुत भी आपको उस मेडिकल वाले से पहचान है, तो वहाँ पे आप जाइए और उस मेडिकल वाले से को आप बोल सकते हैं, बोलिए कि भैया मैं भी एमआर का जॉब करना चाहता हूँ, आपके यहाँ तो बहुत सारे एमआर आते ही होंगे, तो एकाध एमआर से मेरी जान पहचान करवा दो, या फिर आप उसका नंबर दे दो, या फिर आप ही उसको बोल देना कि मेरा कोई है जो एमआर बनना चाहता है, अगर कोई वैकेंसी हो तो मुझे बताए। और जो मेडिकल स्टोर वाले का जो बात है ना, वो एमआर कभी नहीं काटेगा, क्योंकि एमआर का मेडिकल स्टोर से काम रहता ही है, उसका उसको एक उससे रिलेशन बना के रखना ही है। तो अगर आपका किसी मेडिकल स्टोर से जान पहचान है, आना जाना है, तो आप उसको बोलिए। नहीं तो क्या होता है ना, हर मेडिकल स्टोर में एक एमआर डायरी रहती है जिसमें एमआर अपना सारा डिटेल, अपना नाम, अपने कंपनी का नाम और अपना प्रोडक्ट लिखता है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई डॉक्टर यदि प्रोडक्ट लिखे तो उसके नाम और प्रोडक्ट से मेडिकल वाला उसको फ़ोन कर पाए कि हाँ डॉक्टर साहब ने ये प्रोडक्ट लिखा है, इसको भिजवा दो। तो इसके लिए एक एमआर डायरी अलग से होती है मेडिकल स्टोर में। तो उस एमआर डायरी से भी आप एमआर का नंबर वहां से उपलब्ध कर सकते हैं और आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया मैं भी एमआर का जॉब करना चाहता हूं, कोई वैकेंसी होगा तो आप बताना। और एमआर जो है वो हर किसी ग्रुप से, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए ही होते हैं, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ से, मैंने बताया कि एमआर के मेडिकल स्टोर के बाद आप लोग एक आम आदमी कहाँ जाता है,
डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर अगर आप जाते हैं गांव वगैरह में, कोई भी डॉक्टर है अगर आपका उससे पहचान है, तो हर डॉक्टर के यहाँ MR विजिट करने के लिए आता ही आता है। तो आप उस डॉक्टर को बोल सकते हैं कि सर मैं MR बनना चाहता हूँ, और अगर आपके यहाँ बहुत सारे MR आते हैं, किसी MR को आप जान पहचान करा दो या उससे बात करवा दो कि मैं भी MR बनना चाहता हूँ, और उसे कॉन्टैक्ट करवा दो। तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप MR की वैकेंसी आप डॉक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर अगर डॉक्टर तो बड़ी चीज़ हो गई, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर बड़ा चीज़ हो गया, तो डॉक्टर के यहाँ जो छोटे कंपाउंडर वगैरह होते हैं उनसे भी, या रिसेप्शनिस्ट वगैरह से भी उनका जान पहचान होता है, तो वहाँ से आप पता कर सकते हो। तो ये तरीका हो गया जिनका पहचान का नहीं है, तो ये दो तरीका हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया कि स्टॉकीशिप, मेडिकल स्टोर में जहाँ से माल आता है उसको स्टॉकीशिप बोलते हैं, वो हर शहर में रहता है और वहाँ पे MR का आना जाना लगा रहता है, खास करके क्लोजिंग में, मंथ के आखिरी में वो लोग वहाँ पे आते जाते हैं। तो वहाँ पे यदि आप जाएंगे तो किसी भी MR से आपको मुलाकात हो जाएगी, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं, या फिर स्टॉकिस से भी जाकर के आप बोल सकते हैं कि भैया मतलब स्टॉकिस आपसे पूछेगा, थोड़ा सा वो बड़ी चीज़ हो गई क्योंकि वहाँ पे तो आपका पहचान होगा नहीं, लेकिन वहाँ पे आपको ना जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स होता है, स्टॉकिस्ट जहाँ बहुत सारे है ना, उसको मेडिकल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या स्टॉकिस्ट का एरिया ऐसा कुछ होगा आपके एरिया में, तो वहाँ पे ना वैकेंसी का पोस्टर भी छपा रहता है। तो वहाँ पे आपको पोस्टर से आप वहाँ से आपको फलानी कंपनी वैकेंसी है, फलानी कंपनी वैकेंसी है, वहाँ पूरा आपका उस कंपनी का जो है मोबाइल नंबर, मैनेजर का नाम, ईमेल आईडी सब दिया रहता है। तो वहाँ से आप वैकेंसी को पता कर सकते हैं जिनका कोई भी पहचान का नहीं है। नहीं तो वहाँ पे बहुत सारे MR आते जाते अगर आपको दिखे तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो कि ऐसा है, अगर कुछ हो तो आप मुझे बताइएगा, तो वहाँ से आप इस प्रकार से पता कर सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं फ्रेंड्स, एक करके मैंने आपको बताया कि पहला मेडिकल स्टोर से, उसके बाद डॉक्टर से, उसके बाद स्टॉकिस्ट के यहाँ से, उसके बाद MR लोगों का यूनियन होता है जहाँ पे हर संडे को मीटिंग होती है। तो वहाँ पे तो अगर आपका कोई MR अगर पहचान का बन गया तो वो अगर उस यूनियन के मीटिंग में गया जिस दिन, तो आप उसके साथ जा करके वहाँ से कर सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं जिसका कोई पहचान का नहीं है। अब इसके अलावा अभी के समय में, अब डिजिटलाइजेशन की वजह से अभी हर चीज़ का देखो, फेसबुक पे जाकर के देखोगे तो वहाँ पे आपको फेसबुक पे पेज होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वैकेंसी के रिगार्डिंग पेज बने होते हैं, ग्रुप बने होते हैं, तो वहाँ पे आप जाकर के पता कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह हैं, वहाँ से भी आपको गूगल में सर्च करना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वैकेंसी, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट सामने से खुल करके आ जाएंगे, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। फेसबुक पे पेज होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, या फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप मान लो सर्च करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे MR का भी नाम आएगा, तो उनसे आप हाय हेलो कुछ ऐसे बातचीत अगर चल जाए तो ठीक है, वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। फिर तो ये सारे तरीके हैं जिसके आप हेल्प से आप MR की वैकेंसी पता कर सकते हो और आप भी MR का जॉब कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, ये जो तरीके हैं वो आपको पसंद आए होंगे। होपफुली अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको भी डेफिनेटली MR की वैकेंसी पता चल जाएगी और आप भी MR का जॉब कर पाओगे। तब तक के फ्रेंड्स इतना ही, जय हिंद जय भारत, और आप सभी को दिवाली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।